देश के सामने प्रस्तुत किया है। इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे इस एग्जीबिशन के रूप में जितने भी बायर्स आए हैं देश से दुनिया से उन सब के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खास तौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर 7 स्थानों में स्थापित हो रहे हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है फिलेटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए या सीतापुर की दरी के लिए यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है इसी से यह हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है उसने काफी प्रगति की है, काफी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। ऐसे ही सीतापुर की दरी ने, जरी जरदोजी का जो काम बरेली और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पे होता है तो यह एक न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की आवश्यकता का एक केंद्र है, रोजगार सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम भी है और साथ साथ विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के साथ साथ रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकते हैं, टेक्सटाइल उन संभावनाओं को हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत मंडपम और यशोभूमि में जो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है यह अत्यंत सराहनीय रहा है। आज इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट के रूप में इस पूरे अभियान में सहभागी बना रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए जिन 7 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल की नई संभावनाओं को लेकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं उनके लिए एक अवसर है और न केवल भारत बल्कि दुनिया का मार्केट इसके लिए भारत की प्रतीक्षा भी कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 दिवसीय भारत टैक्स का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत टैक्स 2024 में पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को सहभागी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस पूरे अभियान के लिए जो भी इसके आयोजक हैं उन सबको भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जी।